अंजुम जहां और आप देख रहे हैं हाईटेक उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी, असदुद्दीन अवैसी ने याकूतपुरा के इलाकों का किया पैदल दौरा। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया एक सड़क हादसा। और गांधी भवन में मीटिंग के दौरान मैनिफेस्टो की तफसीलात बताई आरसी कुंतया ने। अब खबरें तफसील से। मजलिस की जानिब से आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां काफी दिनों से चल रही है, जिसमें मजलिसी कायदीन जगह जगह का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा एक पैदल दौरा याकूतपुरा के कई इलाकों में देखा गया, जिसमें मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, याकूतपुरा मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी और याकूतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद रही। टीवी के रिपोर्टर भी आए दिल्ली से, मेहमान और सामने देखे शुरू हो रही है। देखो आराम से आई देखे सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें दो नौजवान जो मोटर गाड़ी पर सवार थे वो अचानक सड़क पर गिर गए और उनकी मुकामी वाकया पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को उस्मानिया अस्पताल भेजते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। అర్ధరాత్రి డ్రంకన్ సిచ్యువేషన్ అనుకుంటున్నా, సెల్ ఫోన్ లో దిగి పెడుతున్నాను రెండో తారీఖు రాత్రి సుమారు 11 గంటల ప్రాంతంలో టూ వీలర్ స్ప్లెండర్ ప్లస్ మీద నుంచి సుల్తాన్ బజార్ నుంచి బోరబండ ఇంటికి వెళ్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు యాక్సిడెంట్ అయినది హరికార భవన్ ఆపోజిట్లో స్పాట్ డెడ్ చనిపోయినారు ఇద్దరు. కాకపోతే యాక్సిడెంట్ గల కారణాలు అయితే ఇంకా తెలియలేదు. అక్కడ సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, చెక్ చేసినాక యాక్సిడెంట్ గల కారణాన్ని తెలియజేస్తాం. गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें आरसी कुंटया ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या क्या कहा। तरफ से रेस्पेक्टेड राहुल जी, कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कांग्रेस विल डिलीवर, हम निभाएंगे, ये नाम पर इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है और ये
एक ऐसा दस्तावेज है जो अनन्य है, यूनिक है, इनोवेटिव है, एंड आई थिंक सारा दुनिया में द इलेक्शन मैनिफेस्टो हैज ऑलरेडी क्रिएटेड इम्पैक्ट नॉट ओनली इन द कंट्री इन होल ऑफ द वर्ल्ड. इसमें द नेम इज हम निभाएंगे. राहुल जी हु हैज स्ट्रेस कि हम जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे एंड ही हैज डन इट इन केस ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब एंड कर्नाटक रिगार्डिंग वेविंग द फार्मर्स लोन एंड अदर इश्यूज. 10 दिन बोले थे, इससे पहले भी कई राज्य में पूरा करके दिखाया है. इसलिए राहुल जी को कहना है कि हम लोग 15 लाख खाता में जाएगा ये वादा नहीं करेंगे, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट होगा ये वादा नहीं करेंगे, लाखों करोड़ रुपया ब्लैक मनी ले आएंगे ये वादा नहीं करेंगे, जो हम कर पाएंगे उसको करेंगे. सिकंदराबाद हलके के पार्लियामेंट्री टीआरएस उम्मीदवार टी साई किरण की हौसला अफजाई को लेकर एक जलसा का इनेकाद अमल में आया जिसमें कई टीआरएस कायदीन शामिल रहे. इस मौके पर एक एक करके सभी लोगों ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए आवाम से अपील की कि वो 11 तारीख को उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं. साई किरण ने मीडिया से बात करते हुए ये उम्मीद जाहिर की है कि आवाम उनका साथ जरूर देगी. अच्छा बच्ची पढ़ रहा है तो 20 लाख रुपए के लिए इसलिए डाल रहे साहब, इमाम और मस्जिद को इमाम साहब को सैलरी बढ़ा है इसलिए डाल रहे साहब, और बच्ची शादी को आया तो घर का वालिद समझ के 1 लाख रुपए दे रहे इसलिए डाल रहे साहब, और घर में जो 10 जिले है तो विदाउट सीलिंग 1 किलो 60 किलो दे रहे इसलिए डाल रहे साहब, बुजुर्गों को 2000 रुपए पार्टी से रिश्ता नहीं है, हमें ईमानदारी पार्टी से पार्टनरशिप है, हमें जिम्मेदारी पार्टी से पार्टनरशिप है, हमें वफादार पार्टी से पार्टनरशिप है, हमें एक दिलदार और शानदार पार्टी से पार्टनरशिप है. इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो 100% बता रहा हूँ 16 के 16 प्लस 17 सीट जीतेंगे और जाके बताएंगे कि भाई गवर्नमेंट भी हमारा है, अब पार्लियामेंट भी हमारा है. ऐसा उम्मीद करते हुए आप सब 11 अप्रैल को ये 11 तारीख को 100% आप सब मोहल्ले में आपकी जितने भी रिश्तेदार हैं पूरी आवाम को आप समझाना कि कार निशान पे वोट दिए तो ऐसा एक नौजवान है सिकंदराबाद का उम्मीदवार जो वो पार्लियामेंट सीट चल गया तो समझना हैदराबाद का हर जिला नौजवान पार्लियामेंट सीट चल गया 100% ऐसा आप दुआ करता साहब, क्योंकि आप मेरी तरफ 1 कलम डालो मैं आपकी तरफ 100 कलम डालूंगा. ऐसे उम्मीद रखते हुए जय तेलंगाना, कार निशान पे वोट देना, जय तेलंगाना. शुक्रिया. लोग बताए खाली सिकंदराबाद में नहीं पूरी आवाम पूरा तेलंगाना में 100% माइनॉरिटी बॉय पूरे 100% वन साइड टीआरएस को कार्निशान को डाल के जिता रहे ऐसी उम्मीद है, ऐसा दुआ करना. और एक बार सब लोगों को अपील है, जहाँ भी आपका रिश्तेदार है, जहाँ भी आपका दोस्त है, 100% आप उन लोगों को बताना कि 11 अप्रैल ये अप्रैल 11 को KCR साहब का 16 और एक असद साहब का एक सबके साथ TRS पार्टी भी है तो 100% उन्होंने. हबीबनगर पुलिस ने आज 20 मोबाइल फोन जिनकी चोरी हुई थी वो सारे मोबाइल फोन्स को उनके मालिकों तक पहुंचाया गया. पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई. సీరియల్ నెంబర్ ప్రకారం ఉన్నాయా సార్? పెట్టాం సార్, టెస్ట్ ఉన్నాయి సార్. సీరియల్ నెంబర్ వాళ్ళకు ఫోన్ ఇచ్చి వాళ్ళకు పేదవాళ్ళు పిస్తాను తీసుకుంటాను.
आज हबीबनगर पुलिस पुलिस स्टेशन में कई दिनों से लोगों का फोन घूम गया था, उसके बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आए थे। तो कंप्लेंट ले लेके कॉल डिटेल्स रख के और आईएमई नंबर के ऊपर पूरा कॉल डिटेल्स निकाल के ये पूरा 19 फोन्स ट्रेस करे थे। घूम गए से फ़ोन पूरा अपना पब्लिक का पूरा फ़ोन रिकवरी करके आज उन लोगों को ये फ़ोन देने का एक प्रोग्राम रखा था। ये पूरा फ़ोनों का वैल्यू है 3,15,000 है। अब अपना इंस्पेक्टर अमृत रेड्डी और इंस्पेक्टर एडिशनल इंस्पेक्टर नरसया उसका क्राइम टीम इसमें पूरा कोशिश करके ये पूरा 19 फोन रिकवर करे से। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में कल और आज स्पेशल चेकिंग के दौरान तकरीबन 22,10,400 रुपए जब्त किए गए, जिनके सही वजूहात मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। भाई जरा पीछे आज और कल दो दिन में सुल्तान बाजार पुलिस वाले, सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर और SST टीम, ये दोनों मिलके तीन जगहों पे पूरा जुमला तीन अक्यूजों के तहत व्हीकल चेकिंग पे इलेक्ट्रल इलेक्शन चल रहे ना उसके तहत चेकिंग करते वक्त तीन जगहों पे 22,10,400 रुपये बरामद कर दिए है। ये पूरा हवाला का है, ये का वेरीफाई करना है। उन्होंने एक डिपॉजिट करने के लिए आए बोल रहे, थर्ड केस में वो एक डिपॉजिट करना है। बाकी 10 लाख के ऊपर एक केस में है, उसको IT को इन्फॉर्म करेंगे और बाकी दो रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। जो पहला केस है 10,53,000 का केस रामकोटी में SST टीम के साथ दिन में दोपहर 2:30 को ये पकड़े है। एक्टिवा और पल्सर दोनों पे आए थे। एक राजू भाई बोल के दिल्ली वाला है, इसका एजेंट है धनराज परेख। इन्हों सौरव हरियाणा वाला है, इन्हों मनोहर बिश्नोई के जरिए लेने के लिए भेजा है। जो देने वाले को या लेने वाले को दोनों को पकड़ के इसमें 10,53,600 रामकोटी से बरामद करे है। दूसरा केस में ये रॉयल एक्स रोड पे नियर ओल्ड पुलिस स्टेशन के जगह पे SST टीम के साथ और शाम में पाँच बजे को 8,09,000 के ये एक्टिवा पे जो लेके गए जा रहे थे उसको पकड़े थे। ये गोपाल बोलने वाला राजस्थान वाला है, इन्हों यही धंधा करते, ये हवाला का मनी बेचते रहते, इन्हों कलेक्ट करके उनको बेचते। इसमें मंगेलाल शर्मा और विनोद सिंह ये दोनों ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान का है, ये दोनों के साथ पकड़ के इसमें 8,09,000 रुपीस पकड़े हैं। और तीसरा केस में मोहम्मद इमरान बोलने वाला बच्चा 27 ईयर से
ಇನ್ನು ತನ್ವೀರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಫಲಕ್ನಮ್ಮ ಮದಿನಾಮೆ ಈ ಪತ್ರಗಟ್ಟಿ ಮದಿನಾಮೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ತೆ ಈ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲೀ ಆಯೇ ಬೋಲ್ ರೇ ಯೇ ಭೀ ವೆರಿಫೈ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ 3,50,000 ಅಭಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಸುಬೆ 11:30 ಬಜೆ ಪಕಡೆ ಈ ತೀನೋ ಕೇಸ್ ಮೇ ಯೇ ಜೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪಕಡೆ ಹೈ ಇಸ್ಕೂ ಆರ್ ಓ ಕೋ ಔರ್ ಐ ಟಿ ಕೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಗೆ ಯೇ ಜೊ ಪಕಡೆ ಸೋ ವಾಲೆಂಕೂ ಜೊ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರ್ ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಔರ್ ಇಸ್ಕೂ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ಕೂ ಬೋಲ್ ಕೆ ಯೇ ಅಚ್ಛೆ ಕಾಮ್ ಕೆ ಲೀ ರಿವಾರ್ಡ್ ಭೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಆರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತಲಾ ಮಿಲ್ನೆ ಪರ ಅಮೀರ್ಪೇಟ್ ಮೇ ವಾಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಲಾಜ್ ಪರ ಛಾಪಾಮಾರಿ ಕಿ ಜಹಾಂ ಪರ ಜಿಸ್ಮ ಫರೋಶಿ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ. ಪೊಲೀಸ್ ನೇ ವಹಾಂ ಸೆ 7 ಗೈರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಲಡ್ಕಿಯೋ ಔರ್ 5 ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಕೋ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಕಿಯಾ. ಪೊಲೀಸ್ ನೇ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ತಫ್ಸೀಲಾತ್ ಬತಾಯಿ. ನಾನು ದೂರಂ ರಾನ ఇన్స్పెక్టర్ అజయ్ అతని టీంతో ఫస్ట్ మన ఎస్ఆర్ నగర్ లిమిట్స్లో ఉంటున్న ఆదిత్య పార్క్ హోటల్లో రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఈ లాడ్జ్లో ప్రాస్టిట్యూషన్ నడుస్తుందన్న ఉద్దేశంతో సో అక్కడ ఒక ఇద్దరు గర్ల్స్ తర్వాత లాడ్జ్ ఓనర్ లాడ్జ్ మేనేజర్ని తీసుకొని అక్కడ నుంచి మనకు పంజగుట్ట లిమిట్స్లో ఉంటున్న పోలో లాడ్జ్ కూడా రైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అందులో నాజిన్ ఖబరే ఆర్ భీ హై ఫిల్హాల్ లేతే హై ముఖ్తసర్ సా వక్ఫా. హైటెక్ ఫర్నిషింగ్ వరల్డ్ వర్టికల్ బ్లైండ్స్ వెనిషియన్ బ్లైండ్స్ రోలర్ బ్లైండ్స్ ఇంటీరియర్ బ్లైండ్స్ ఆఫీస్ బ్లైండ్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్లైండ్స్ అవైలబుల్ హియర్ సర్వీస్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్ ఓవర్ అడ్రస్ మెహదీపట్నం రోడ్ తాళగడ్డ హైదరాబాద్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ ఆన్ దిస్ నెంబర్ 9700214737. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स. अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत. आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए. हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल एचपी लेनोवो लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है. स्कूल कॉलेज कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है. इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है. अगर आप अपने घर दुकान सोसाइटी स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है. गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद डायरेक्टर सैयद राशिद अली फोन 9849715954. टॉप वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है. आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर मजलिसी रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने
कारवां के कई इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए गुजारिश की कि वो 11 अप्रैल को मदरसे को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए। इस मौके पर कई लोग उनके साथ मौजूद थे। जनता की मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, उन सभी को पार करते हुए उनकी मुश्किलों को सुन रहे हैं, बेहतरीन ढंग से उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को फायदा पहुंच रहा है। मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत भारी मेजोरिटी से जिताएं। आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ప్రతి ఇంటి నుంచి బాను డ్రాబై నువ్వు నాకు ప్రామిస్ చేయాలి సార్ కట్టపై కదా ప్రామిస్ సార్ మన మాము అమ్మ విత్త నీ మాము కాదు అమ్మ ఇత్త గ్రౌండ్ వర్క్ కర్తే సంబై మగర్ మీరు ప్రామిస్ 11 హర్ ఘర్ సే పక్కా పక్కా ఇది షూట్ యో बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार भगवंत राव ने हल्के चारमीनार के कई मोहल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ कई लोग शरीक रहे। संसद का चुनाव होने वाला है, हैदराबाद संसद चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आज मगलपुरा म्यूनसिपल डिवीज़न में घर घर जाकर पदयात्रा करते हुए मतदाताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि वर्तमान परिस्थिति में हैदराबाद में अमन शांति के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, पुराने शहर में जो रोजगार प्रदान करना, ऐसे कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगा। अब तक जो MIM है 30-40 साल से वो है, मगर यहाँ की किसी भी जनता की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिए, केवल वो माइनॉरिटी बोलकर माइनॉरिटी के नाम पर भड़का कर लोगों का वोट बटोर लिए, परंतु माइनॉरिटीज का बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने। TRS सिकंदराबाद उम्मीदवार साई किरण के रोड शो में KTR और दीगर TRS कायदीन ने शिरकत करते हुए आवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट TRS के हक में करे। इस मौके पर इस रोड शो में कसीर तेदाद में आवाम नजर आई। मन मुख्य अतिथि का भी चेसना TRS पार्टी राष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट मा गुरुवु అంటే నాకు అండగా ఉన్న KT రామారావు గారు, అదేవిధంగా మా అన్న రెండు చేయి డేంజర్ పిడికిలి 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 ఢిల్లీ మావాలి కదా చాలా మంది అధికారులను చూస్తారేనా కారు గుర్తుకి KCR గారి నాయకత్వం వచ్చిన పని అయిపోయింది బయలుదేరాలి గౌరవనీయులు మీ అందరి అభిమాన నాయకులు మన టైం ఎక్కువ లేదు మీరు వెళ్ళి తక్కువ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది నమోదు చేసిన గౌరవనీయులు అన్న హనుమంతన్న గారికి గౌరవనీయులు పెద్దలు మంత్రివర్యులు మల్లారెడ్డి గారు మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కాబోయే మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యుడు యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు విద్యావేత్త స్థానికుడు మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కార్యక్రమానికి నేను ఆలస్యంగా వచ్చిన చాలా ఓపికగా ఉన్న మా మల్కాజ్గిరి అక్క చెల్లెళ్ళకు అన్నదమ్ములందరికీ తల వంచి నమస్కారం చేసుకుంటూ మీ అందరికీ నేను చేసే విజ్ఞప్తిలో ఒకటి, 3 నెలల కింద హనుమంతన్నని గెలిపించినారు, పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపించినారు. తను నిత్యం కష్టపడే మనిషి, కష్టాన్ని నమ్ముకునే మనిషి. మరి ఈరోజు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో TRS ఎందుకు ఓటేయాలి, KCR ఎందుకు ఓటేయాలి ఈ ఎలక్షన్లు. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात अचानक एक घर में आग लग गई, जिसके बाद मुकामी लोगों ने मेहनत करते हुए आग पर काबू पा लिया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान की इत्तला हुनूज मौसूल नहीं हुई है।
ना कोई भी आपके अंदर लिए हाँ ले ले क्या पूरा अंदर चक्कर ना हो पूरा अरे वो राज्य मार अंदर नहीं अभी कुछ गोरी कहीं हाँ गोरी हो कहीं हाँ गोरी हो अरे तू इधर आओ यार बोल लगा नहीं हम मैं बोल दूँ यार तूने काले हो गए मुझसे वो ये समझो पूरा जगह उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने अपने पुराने मुतालिबे को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों का मुतालबा ये है कि उन्हें जो 5 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई है वो दे दी जाए। अत्तापुर में रॉयल लगेज वर्ल्ड का शानदार इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें इस दुकान के मालिक ने बताया कि रॉयल लगेज वर्ल्ड के कई जगहों पर ब्रांचेस मौजूद है और वहाँ पर हर तरह के बैग्स दस्तियाब हैं। माशाल्लाह, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है रॉयल लगेज वर्ल्ड का जो है ना ये 8वां शोरूम इफ्तिताह अमल में आया है अत्तापुर पिलर नंबर 144 पर। और ये जो बिजनेस रॉयल लगेज वर्ल्ड का जो संगे बुनियाद मेरे मरहूम वालिद अलहाज मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब ने रखा है और इसको हम मुसलसिल कंटिन्यूसली करते हुए जो है ना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भी 8वां ब्रांच अत्तापुर पर स्टार्ट हुआ है। जो हमारा मेन ब्रांच नामपल्ली में मेरे वालिद रूबरू रेलवे स्टेशन 1969 में जो है ना जो संगे बुनियाद रखा था जो रॉयल लेदर वर्क के नाम से जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नाम को जो कंटिन्यूस करते हैं अभी रॉयल लगेज वर्ल्ड के नाम से नामपल्ली में हमारा मेन ऑफिस है रूबरू नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड। उसके अलावा आबिट्स ओरिएंट स्टेट में 2 शोरूम्स है, पार्क लाइन सिकंदराबाद में 2 शोरूम है, वनसलीपुरम में 1 शोरूम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अभी अब अत्तापुर पर स्टार्ट किए हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी तौर पर हाजियों के लिए हर साल जो है ना खुसूसी तौर पर सूटकेसेस आराम बेल्ट मुकम्मल सफरी सामान और उसके अलावा स्कूल बैग्स कॉलेज बैग्स और ट्रॉली बैग जो अब्रॉड ट्रैवलिंग करते हैं लोग अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया जितने स्टूडेंट्स वगैरह सफ़र करते हैं उनके लिए स्पेशल क्वालिटी के और इंटरनेशनल पूरे ब्रांड जो है अमेरिकन टूरिस्टर VIP स्काई बैग। आखिर में एक बार फिर सुर्खियां। मजलिस की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी, असदुद्दीन अवैसी ने याकूतपुरा के इलाकों का किया पैदल दौरा। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया एक सड़क हादसा। और गांधी भवन में मीटिंग के दौरान मैनिफेस्टो की तफसीलात बताई RC कुंतया ने। हाईटेक न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए हाईटेक TV। अल्लाह हाफिज़।